इस सिलसिले में एक और एतराज जो अक्सर मुझ पर इनडायरेक्टली उठाया जाता है और सुनने में मिलता है, वो ये है कि आप कैसे या कोई पाकिस्तानी कैसे क्लिनिकल मॉडल बना सकता है, कैसे डेवलप कर सकता है, आपकी अपनी एलिजिबिलिटी क्या है। अब ये एक सोच है, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे माशरे का। मिन हैसुल कौम, हम एक एहसास कमतरी में मुब्तिला है। हम ये समझते हैं कि जो फलसफा है या थ्योरीज हैं वो सिर्फ अंग्रेज ही बना सकते हैं, या कोई नया तरीका इलाज सिर्फ अंग्रेज ही वजह कर सकते हैं, पाकिस्तानी इसके लिए नाअहल हैं। ये हमारा मिजाज है। अब इस मिजाज का क्या कीजिए? ये तो एक सीधा साधा जाहिलाना और एहसास महरूमी और एहसास कमतरी पर मबनी नुक्ते नजर है। तो उस सिलसिले में मैं अब अपना तफसीली तारुफ तो यहां नहीं करवा सकता, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट को देखिए। मेरी तमाम पोर्टफोलियो मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन कुछ चीदा चीदा बातें जो ये हैं मेरे बारे में कि मैंने एमएससी की मास्टर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके बाद मैंने एमफिल किया स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ, और उसके बाद मैंने पीएचडी किया साइकोलॉजी में। तो सिर्फ पीएचडी ही को अगर देखा जाए तो वो मुझे एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी है, और उस पीएचडी की डिग्री की वजह से ही सिर्फ। बाकी तफसीलात में अब जाने का वक्त नहीं है। सिर्फ पीएचडी ही मेरी अहलियत साबित करती है कि मैं एक फिलोसोफर हूँ, एक फिलोसॉफिकल डॉक्टर हूँ, एक सोशल साइंटिस्ट हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट तो खैर एमएससी भी मुझे एलिजिबल करती है टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। तो अब सिर्फ इस वजह से मैं कोई नए नज़रियात वजह न करूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा काम नहीं है, ये एक अजीब सी सोच है। फिर इसके साथ साथ इन तालीमी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ अगर आप मेरी वेबसाइट का मुतालिया करें तो उसमें आपको मेरी जो काविशें हैं नफ्सियात में उनकी तफसीलात भी मिलेंगी, और सुकून का पूरा क्लिनिकल मॉडल वेबसाइट पर मौजूद है, जो टेस्ट्स मैंने वजह किए हैं और वैलिडेट किए हैं पाकिस्तान में वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो साइकोथेरेपीज़ मैंने डेवलप की हैं वो भी वेबसाइट पर उनकी तफसीलात मौजूद हैं। फिर जो सोशल सर्विसेज में देता हूँ, जो वर्कशॉप्स और फ्री लेक्चर्स में देता हूँ वो भी मौजूद हैं, फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं। फिर इसके अलावा मेरी जो तहकीकात है वो भी वेबसाइट पर मौजूद हैं, देखी जा सकती है। मैंने एक दावा ये किया था कि जो ये अभी दोबारा से मैं ये, और जब मैं कोई दावा करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक नार्सिसिस्टिक हूँ या मैं मगरूर हूँ, ये हरगिज़ मतलब नहीं है इसका। एक वालिद या वालिदा अपने बेटे या बेटी को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मगरूर है। एक शायर अपनी अशार को तजाहुल आरिफाना से काम लेते हुए उन पर नाज करता है, एक आर्टिस्ट अपने आर्ट पर नाज करता है,
तो हमारा मुहक्किकीन का मसला ये है, रिसर्चर्स का, कि हम अपनी तहकीकात पर नाज करते हैं, और अगर नाज न करें तो फिर फ़ायदा क्या, फिर पैशनेट नहीं रहते। तो हम अगर कोई नई डिस्कवरी करते हैं या कोई नई तहकीक करते हैं तो नाज करना हमारा हक है, और हम नाज से बताते हैं दूसरे मुहक्किकीन को। ये दुनिया भर में यही ट्रेंड है, जिस मुहक्किक को, जिस रिसर्चर को अपनी रिसर्च पर नाज ही नहीं, वो शायद किसी और ने उसका नाम डाल दिया है उस पेपर में। अगर उसका अपना काम है और उसने जाफिशानी से सरंजाम दिया है तो वो ज़रूर नाज करेगा अपने काम पर। तो जब मैं दावा करता हूँ तो मैं नाज करता हूँ। तो इस नशिस्त में भी आपको हो सकता है मुख्तलिफ दावे सुनने को मिले, तो उनको सुनने के बाद ये इम्प्रेशन कायम करना कि ये बंदा मगरूर है, ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। जब तक के मेरे दावों की तहकीक न की जाए, जो बात मैं कर रहा हूँ उसकी पहले तहकीक की जाए कि ये बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, और अगर वो बात गलत साबित हो तो फिर मैं मगरूर हूँ। तो इस किस्म की बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो तहकीकात की बात हो रही थी कि मेरी जो स्टडीज़ हैं वो भी जो पब्लिश्ड हैं वो बिल्कुल वेबसाइट पे मौजूद हैं, उनके लिंक्स और पूरे पूरे पेपर्स आप पढ़ सकते हैं। जो सबमिटेड स्टडीज़ हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं वेबसाइट पे। तो दावा में, हाँ दावा ये कर रहा था कि इस वक्त जितने भी क्लिनिकल मॉडल्स दुनिया में मौजूद हैं जिनमें चीदा चीदा साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, वगैरह वगैरह, जितने भी मॉडल्स दुनिया में मौजूद हैं उनमें जितनी भी, उनके बनाते वक्त, उनको डेवलप करते वक्त उनके डेवलपर्स ने जितनी तहकीक की है, सुकून क्लिनिकल मॉडल ने कम अज कम उनसे ज्यादा तहकीक की है। जितनी तहकीक सिगमंड फ्राइड ने की है अपनी थ्योरीज देने से पहले, और जितनी तहकीक रॉजर्स ने की है या मैस्लो ने की है या सेलिगमैन ने की है, मैंने अल्लाह के फजलो करम से कम अज कम, ज्यादा नहीं कम अज कम उनसे ज्यादा तहकीक की है। और ये मैं ये क्लेम करता हूं कि मेरा जो ये मॉडल है सुकून क्लिनिकल मॉडल, ये तहकीक बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, और इस तहकीक का जो मेजर पार्ट है वो कुरान करीम पर तहकीक है, क्योंकि इस मॉडल की नेचर ही ऐसी है कि ये इब्राहिमिक रिलीजन के फॉलोअर्स के लिए डेवलप किया गया है। तो जो इल्हामी कुतुब हैं वो इसका एक खास सोर्स हैं जिन पर मैंने तहकीक की है। मजजूब की बढ़ नहीं है, सुकून क्लिनिकल मॉडल हरगिज मजजूब की बढ़ नहीं है, ना ये अफ्यून खा के कही गई बातें हैं। तो तहकीकात वेबसाइट पर देखी जा सकती है, जिस तरह से बहुत सी तहकीकात हैं जिन पर मुझे नाज है। फॉर एग्जांपल ये पहली ही जो नजर आ रही है, प्रेविलेंट टेंडेंसीज फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो रेशो है, जो शरह है जहनी अमराज की, उस पर 3,500 अफराद रिस्पोंडेंट्स पर मबनी ये एक लार्ज स्केल स्टडी है मुल्क में। और एक और रिसर्चर ने
अभी एक स्टडी की है, मेटा एनालिसिस, और उसने भी ये प्रूव किया है कि वाकई पाकिस्तान में इससे ज़्यादा लार्ज स्केल स्टडी कोई दूसरी नहीं हुई। तो ये पब्लिश्ड है, मौजूद है, इसमें बताया है कि ज़हनी अमराज की शरह क्या है, फिर पब्लिक अवेयरनेस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये जो तहकीकात में बता रहा हूँ ये बुनियाद बनी है सुकून क्लिनिकल मॉडल के वजह करने में, ये हवा में तीर नहीं छोड़े हुए, पहले तहकीक हुई, बेस लाइन स्टडीज हुई हैं, और उन बेस लाइन स्टडीज से रेशनलाइज किया है सुकून क्लिनिकल मॉडल को, इसकी ज़रूरत और इसकी अफादियत को रेशनलाइज किया है। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, ये दूसरी स्टडी है, ये भी 3,500 रिस्पोंडेंट्स पर की गई है, पब्लिश्ड है। इसी तरह से बैरियर्स इन सीकिंग साइकोलॉजिकल हेल्प, पब्लिक परसेप्शन इन पाकिस्तान, तो ये इस किस्म की और भी, हाउ पाकिस्तानी कोप विद स्ट्रेस और वगैरह वगैरह, ये सारी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सुकून का पेज है मेरी वेबसाइट पे, उसमें आखिर में सैकड़ों हवाला जात मौजूद हैं। यानी कहने का मकसद मेरा ये है कि कोई बात भी अल्लाह के फजलो करम से, मेरी आदत है कि मैं हर जुमले के बाद साइटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन पेश करता हूँ, और अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि कम से कम इंट्रोडक्शन में कोई जुमला भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके साथ साइटेशन ना हो, अपनी तरफ से कोई जुमला कम से कम इंट्रोडक्शन में ना हो। तो मैं बग़ैर तहकीक और बग़ैर हवाला जात के कोई बात कैसे कर सकता हूँ। मगर अफसोस कि सिगमंड फ्राइड ने जो नज़रियात दिए उनके पीछे तो कोई साइंटिफिक या सोशल स्टडीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन लोग उनको, उनसे इंस्पायर होते हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तानी नहीं है या फोत हो चुके हैं। तो या तो बंदा पाकिस्तानी ना हो या फोत हो चुका हो, क्योंकि अक्सर शुआरा फोत होने के बाद उनको एप्रिसिएशन मिलती है। या एक तीसरा फैक्टर, कभी कभी मुझे कोई लोग बताते हैं कि शायद मेरी उम्र इस काबिल नहीं है कि मैं कोई नज़रिया पेश कर सकूं, इस वजह से भी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन मैंने लोगों को नहीं देखना और ना मैंने लोगों के ओपिनियन पर अपनी तहकीक को ख़त्म कर देना है या शुरू करना है। मेरी तहकीक सबसे पहले, मैंने जो क्लिनिकल मॉडल डेवलप किया है ये सबसे पहले सिर्फ अपने लिए किया है। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, मतलब जब मैंने 97 में MSc की साइकोलॉजी में, तो मेरे जहन में बहुत से सवालात उभरे। उसके बाद MPhil करते हुए, PhD करते हुए, और स्पेशली आफ्टर PhD जब मैंने तहकीकी मकालाजात पर काम शुरू किया, तो मेरे जहन में लातादाद सवालात उभरे, खुसूसन अपने नफ्स से मुतालिक, अपनी साइकी से मुतालिक। और मुझे एहसास कम मायगी और महरूमी हुआ कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है जो मुझे पढ़ाया गया है यूनिवर्सिटियों में, जो मेरे सवालात का जवाब दे सके। ये एहसास मेरे अंदर पैदा हुआ, और इस एहसास की वजह से मैंने अपने सवालों के जवाबात देने के लिए जब तहकीक का दामन पकड़ा, तो फिर मुझ पर हकायक मुनकशिफ हुए। जब मैंने कुरान में मुस्तअमल लफ्ज नफ्स को साइकी के पैरेलल गर्दाना और वहां से मालूमात हासिल की, तो बहुत से सवालात, जिनमें सबसे बड़ा सवाल जो था मेरा वो कजा व कदर पे था,
जबर व कदर पे बहुत बड़ा मसला था, नफसियाती उलझन थी, उसको अल्लाह ताला के फजल व करम से वो रिजॉल्व हुआ। तो ये जो सुकून क्लिनिकल मॉडल मैंने वजह किया है, कोई फॉलो करे या ना करे, मेरा मसला तो कम अज़ कम हल हो चुका है अल्लाह ताला के फजल व करम से। मुझे मेरे सवालों का, जो मेरी तशनगी थी, जो मेरी जहनी उलझने थी, जो कि पीएचडी करने के बाद भी यूनिवर्सिटियों की तालीम से मैं सुलझा नहीं पाया था, कम अज़ कम मेरी अपनी उलझने तो हल हुई अल्लाह के फजल व करम से और हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहरबानी से। तो अब मैं आप लोगों को भी ये दावत देता हूं कि लिल्ला मगरबी नज़रियात की अंधाधुंध तकलीद से बाज रहें और कुरान पाक से अपने बुनियादी एतिकादात को, बेसिक बिलीफ्स को डेवलप करना हो तो कुरान पाक की रहनुमाई से करें, आप बहुत से मसाइल से बच जाएंगे, चाहे वो मसाइल नफसियाती हों, समाजी हों, दीनी हों या उखरवी हों, उन मसाइल से बचा जा सकता है कुरान की हिदायत की रोशनी में। अब आप देखें कि आप जितनी भी नफसियात पढ़ते हैं उसमें एक भी रेफरेंस, मैं अक्सर ये कहता हूँ, अब ये बात थोड़ी सी तूल पकड़ती जा रही है लेकिन ये बातें बहुत ही मुफीद हैं और बहुत दुखी भी हैं। मतलब मैं एक बात अक्सर ये कहता हूँ कि 91 से मैंने नफसियात पढ़ना शुरू की और अब 2020 हो चुका है, बेहतरीन किताबें मैंने पढ़ी नफसियात पर, लेक्चर्स सुने, वीडियोस देखी, यानी कि जितने भी फिलोसोफर्स और थ्योरिस्ट्स पढ़े हैं वो सब के सब अंग्रेज हैं। सवाल ये है कि क्या अफ्रीका बर्रे आज़म ने, क्या इंडिया ने, क्या चाइना ने, क्या जापान ने, क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा नफ्सियादान नहीं जना जिसकी कोई थ्योरी हमें पढ़ने को मिलती? ये सारे थ्योरिस्ट्स वेस्टर्न ही क्यों हैं? क्या इल्म और नफ्सियात सिर्फ मगरिब की मीरास है? तो ये बहुत बड़ा एक दुखी सवाल है जिसका जवाब ये है कि मगरिब और खुसूसन अमेरिका नॉलेज इकोनॉमी पर, चाहे वो नफ्सियात हो चाहे कोई भी मजमून हो, उस पर कब्जा किए बैठा है और प्रमोट करते हैं अपने नॉलेज इकोनॉमी को। और यहाँ पे जो आलम है वो आपके सामने है, तहकीकी आलम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे फंडिंग कितनी है, यहाँ पे कल्चर कितना है तहकीक का, यहाँ पे अप्रिसिएशन कितनी है। तो अगर कोई नन्ना मुन्ना नज़रिया इन इलाकों से, ईस्टर्न इलाकों से कहीं सर उभारे तो उसको भी कुचलने की कोशिश की जाती है ताकि मगरिब का, मगरिब की इजारादारी इल्म पर बरकरार रह सके। तो मेरे नज़दीक इल्म का, और मैंने एक मज़मून में भी बताया और एक वीडियो में भी बताया कि इल्म के चार ज़राए हैं, टेनेसिटी, अथॉरिटी, साइंस और इंट्यूशन। और मेरे नज़दीक इंट्यूशन जो है वो वही का इल्म, वो सब पर भारी है, सबसे ज़्यादा मुस्तनद है। और जो मालूमात और जो इल्मी हकायक कुरान पाक में मौजूद हैं उनसे बढ़कर कोई साइंस हो ही नहीं सकती।
सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा ये जितनी भी तहकीकात हैं और जो पोर्टफोलियो है ये आप वेबसाइट से देख सकते हैं और क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज करना आपका हक है। पहले आप ये देखिए कि दुनिया भर में अगर कोई भी शख्स कोई नया नज़रिया देना चाहे, कोई थ्योरी देना चाहे, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या डॉक्टर सुकून वो क्राइटेरिया मीट करता है कि नहीं करता? तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। और दूसरा, आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप मेरी शक्ल व सूरत पर न जाएं और मेरी गुफ्तार और किरदार पर न जाएं, बल्कि जो नज़रिया मैं पेश कर रहा हूं, जिन हकायक से मैं पर्दा उठा रहा हूं, उन हकायक को साइंसी अंदाज में, ये नहीं कि दीनी अंदाज में, नहीं, नेवर, साइंटिफिकली उनको टेस्टिफाई करें। और अगर आप साइंटिफिकली उनको वैलिड पाएं तो लिल्लाह कबूल कीजिए, और अगर साइंटिफिकली इनवैलिड पाएं तो छोड़ दीजिए। इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहां से मिले वो हासिल करे। तो अगर आपको इसमें इल्म नजर आता है तो उसको ले लीजिए, और अगर इल्म नजर नहीं आता तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन तहकीक करना जरूरी है।